Assalamu alaikum everyone, this is Ahal Azameer. Go grab your tickets for Parvaz-e-Junoon, which is coming out this Eid ul Azha. अस्सलाम वालेकुम। आज का सबसे ताजा खबर यह है कि हमारा नाम है मकबूल खान और हम करता है रिपोर्टिंग नंबर वन। जी हाँ, और ये शो है जिसका नाम है द आफ्टरनून शो, सीजन टू शुरू हो गया है। और आज जो मेहमान लोग आ गया है वो बहुत ही अच्छा लड़का लोग है। एक का नाम आपको बताएगा तो आप कहेगा या अल्लाह ये क्या अच्छा अदाकारा लोग है। उसका नाम है, उस लड़का का नाम है सानिया सईद लोग, और दूसरा जो उसके साथ में आया हुआ है उसका नाम है सरमत कूसक लोग। और ये दोनों जब मिल जाता है तो तबाही का काम कर देता है, बहुत ही संजीदा किस्म का अदाकारी कर देता है। चाहे ड्रामा कॉमेडी ही हो फिर भी संजीदा अदाकारी बहुत अच्छा से कर देता है। तो आज देखता है इसका फैन लोग कौन आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? आमरिया हमारा साथ मौजूद है इस वक्त जमहूरियत का दौर में। क्या हाल है आपका? आप किसका फैन लोग है? सानिया सईद का फैन लोग है। आपको सानिया सईद क्यों पसंद है इतना ज्यादा? क्योंकि वो बहुत सीरियस प्लेस करती हैं और मुझे उनकी प्लेस काफी पसंद है। एंड क्योंकि वो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हैं तो आई वुड वांट कि आवर वुमेन शुड थोड़ा सा अच्छा है। आपको अच्छा लगता है इसलिए वो लोग। और दूसरा जो साथ में गेस्ट आ रहा है उसका कोई भी काम आपको नहीं पसंद है? सर का भी काम बहुत पसंद है, उनकी मंटो फिल्म बहुत अच्छी थी। इसके साथ ही हम चलते हैं और देखता है कि सानिया सईद के साथ वो क्या सवाल पूछ रहा है, सरमत कूसक से क्या सवाल पूछ रहा है। आप मेरे साथ साथ ही आ जाओ, बाद में आपको अंदर नहीं जाने देगा। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू द आफ्टरनून शो सीजन 2। मैं हूं आपका होस्ट यासिर हुसैन। कभी आपने सोचा है कि जिंदगी का फलसफा क्या है या फलसफे की जिंदगी क्या है? अगर नहीं सोचा तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि दोनों बहुत मुश्किल चीजें समझ में नहीं आनी और जिंदगी ऐसे ही गुजर जानी। आज के जो मेरे मेहमान हैं उन दोनों में ही बहुत जान है। एक ऐसी बाकमाल एक्ट्रेस है कि मेरे ख्याल में उनको इंस्टीट्यूट का दर्जा मिल जाना चाहिए, और दूसरे ऐसे बाकमाल डायरेक्टर हैं जिन्होंने हमसफर जैसे सुपरहिट ड्रामास बनाए और साथ साथ बहुत ही कमाल के एक्टर भी हैं। दोनों की एक बात बहुत कमाल है कि दोनों थिएटर, फिल्म और टीवी के एक्टर हैं। एक मंटो हैं तो दूसरी है उनकी बीवी। आप देख रहे हैं हम टीवी। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सानिया सईद एंड सरमत कूसक। करते हैं मुझसे प्यार सब सितारे, मिल जाएंगे तुमको ये यहाँ। The Afternoon Show, The Afternoon Show, मैं इसलिए चाहता था कि आप डांस करें क्योंकि लास्ट एक ड्रामे में मैंने आपका डांस देखा है, बहुत जबरदस्त, झांझर दी पावा छनकार। और कोई छनकार डाली इन्होंने? जाहिर है कि मैंने देखा था। आपका और मेरा ही प्लान था जाने का, लेकिन आपने मुझे डिच करा दिया। नहीं, मैंने डिच नहीं कराया। मैं आप नहीं, हम दोनों एक वक्त में ऑडिटोरियम में थे। मैं खाली जातियात आप लोग मैं नीचे गई कुछ होने को है, कुछ होने वाला है। लेकिन अब कराची और पूरे पाकिस्तान में वक्त हो गया एजाज भाई के मशवरों का। हेलो एजाज भाई, कैसे हैं आप? यानी मत पूछ, बहुत बुरे हाल है। आई इतना दर्द हो रहा है, तेरा भाई बाइक से गिर गया आज। खैरियत एजाज भाई, कैसे गिर गया? बाइक से कहाँ जा रहे थे? यानी बाइक तो स्टैंड पे खड़ी हुई थी, तेरा भाई ना तस्वीरें खिंचवा रहा था बाइक के ऊपर खड़ा होके। एजाज भाई, स्टैंड पे लगी बाइक पे आप कैसे गिर सकते हैं? यानी असल में बाइक ना सिंगल स्टैंड पे खड़ी हुई थी, उसके ऊपर मैं खड़ा हुआ था तो डिसबैलेंस हो गया जरा सा बस। लेकिन सिंगल स्टैंड पे क्यों खड़ी थी बाइक, डबल स्टैंड पे खड़ी कर लेते आप? यानी सिंगल स्टैंड से काम चल रहा था तो डबल निकलवा के मैंने बेच दिया। अच्छा छोड़े जाते, मुझे बताएं आपको पता है आज के मेहमान कौन है? हाँ जानी, मुझे पता है, सानिया सईद और सरमत कूसक आए ना, इसलिए सुबह से मैं बाल कर्ली करके फलसफा पढ़ रहा हूँ। बाल कर्ली करके फलसफा क्यों पढ़ रहे हैं जाज भाई? यानी सानिया सईद से इजहार यज्ञती में बाल कर्ली कर लिए हैं और सरमत से इजहार यज्ञती में फलसफा पढ़ रहा हूँ। फलसफे की कौन सी किताब? यानी किताब कोई है, फेसबुक पे जो कोट्स आती है ना वो पढ़ रहा हूँ। अरे जान भाई, वो ऑथेंटिक थोड़ी होते हैं। यानी एक मशवरा आए नहीं चाहिए कि साहिर लोधी की लाइफ पे ना फिल्म बना दें, इतनी अच्छी शायरी है, उसकी फिल्म भी सुपर हिट जाएगी। साहिर लोधी शायरी कब करते हैं जाज भाई? यानी इतना तो अच्छा शायर है, वो शेर नहीं सुना, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया,
बात निकली तो फिर हर बात पे रोना आया। इजाज़ भाई वो साहिर लुधियानवी का शेर है। यानी है तो वो भी साहिर ही ना, लोधी और लुधियानवी को मिक्स कर दिया बस मैंने। वैसे आइडिया कैसा लगा? अच्छा, लेकिन ये तो सरमत के ऊपर है ना इजाज़ भाई। नहीं नहीं, फिल्म तो साहिर पे ही बनेगी, पागल तो नहीं हो गए? सरमत पे कोई बनाएंगे? अरे इजाज़ भाई, मेरा मतलब कि डिसीजन तो सरमत का होगा ना कि वो बनाए कि नहीं बनाए। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। सानिया जी, अगर आपको लिफ्ट चाहिए हो ना, वापसी में ड्रॉप चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं गुजर रहा हूँ तो मैं पिक कर लूंगा, वरना बहुत सारे हमारे आड़ी गुजर रहे होते हैं शाम के टाइम में। अरे इजाज़ भाई वो चली जाएंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। थैंक यू। ओके जानी, एज यू विश। ओके, चाओ चाओ। चाओ चाओ यानी पोर्चुगीज में ना गुड बाय को बोलते हैं, चाओ चाओ। उई, अबे कमर पे हाथ क्यों मार दिया? ओके जानी, बाय 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 इजाज़ भाई, बाय इजाज़ भाई। इजाज़ भाई अक्सर बाइक पे होते हैं तो वो इस तरह हमारे गेस्ट को कहते हैं कि मैं पिक एंड ड्रॉप दे सकता हूँ। सिंगल स्टैंड, सिंगल स्टैंड करे कभी उस बाइक पे। वो अच्छे इंसान है बहुत, मेरे मैथ बड़ा पसंद करता हूँ। आई एम श्योर आप भी बहुत पसंद करते होंगे। जी, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। बहुत पुराने तो हैं, दोस्त हैं नहीं ये मुझे नहीं पता। सानिया जी, आपका तो मतलब घर में आपके भाई क्रिकेट खेलते रहे, हस्बैंड आपके इतने जबरदस्त डायरेक्टर हैं, आपने थिएटर किया, टीवी किया, पीआर भरपूर, होस्टिंग, एक्टिंग, लोग रोते हैं आपकी बातों पे, पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आए आप? यही सारा कुछ चाहिए होता है। जिसका जो काम है उसको करने देना चाहिए। और हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम है कि पॉलिटिक्स जिनका काम है उनके अलावा बाकी सब कर रहे हैं, लेकिन जिनका काम है उनको करना चाहिए, जिनका कारोबार है, धंधा है, उनको निकालना चाहिए पॉलिटिक्स से। आई थिंक निकाल देना चाहिए। बिल्कुल, ये तो सब बाहर हो जाएंगे। हाँ, फिलहाल जो है वो तो फिलहाल जो है वो तो हो जाएंगे। हाँ, सरमत, आप अक्सर लोग कहते हैं कि एक इंसान में एक मासूम सा बच्चा छुपा होता है, लेकिन आप तो इतने मासूम हैं, आपको देख के लगता है एक बच्चे में इंसान छुपा हुआ है, तो आप इतने सीरियस टॉपिक्स पे कैसे काम करते हैं? आपने कभी इनकी डायरेक्शन में काम नहीं किया? हाँ, उस मासूम बच्चे को दो लंबे दांत, दो सींग निकालने में 2 सेकंड लगते हैं। खतरनाक हो जाते हैं। नहीं, नो नो अगेन, मतलब काम अब जिस तरह से सीखा उसमें डांट भी खाई, उसमें बदला नहीं, बस मुझे ये समझ आ गई चाहिए बड़ा सीरियसली करने वाला काम है, मतलब इसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं बची। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसको एंजॉय करूँ, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट कि आप उसको नॉन सीरियसली करें। और मैंने कॉमेडी से शुरू किया तो सबसे पहला तो ये दिमाग पे मतलब एक डंडा लगा कि कॉमेडी बहुत सीरियसली करने की चीज है, तो उसमें मतलब अगर आप खुद हंस रहे हैं इसका मतलब कोई अच्छी कॉमेडी नहीं है, लोगों को हंसना चाहिए। सो आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ, बाकी मासूमियत मुझे लगता है कोई किसी ने गलत आप तक खबर पहुंचा दी है मेरे बारे में। क्या करूं मैं, अफसर गुंडा बन के दो तीन बटन और मासूमियत तो सभी देख रहे हैं कि अच्छा सानिया जी, बच्चों को जब वही कपड़े दोबारा पहनाए जाएं या एक जैसे कपड़े दिला दिए जाएं तो उनका दिल खराब हो जाता है, तो आपको जब कैरेक्टर एक जैसे ऑफर होते हैं आपका क्या रिएक्शन होता है, और ऐसा होता होगा? हाँ, बेतहाशा बहुत इंतजार करना पड़ता है कोई अलग सी कहानी के लिए या अलग से कैरेक्टर के लिए। तो अब मैं नम हो गई हूँ वैसे, क्योंकि अब मैं टेलीविजन देखती भी नहीं हूँ बहुत सालों से, तो लेकिन अब कोई मुझे हेलो कहता है ना, मैं मुझे पता चल जाता है कि वो क्या सुना रहा है। और सबके हेलो भी अलग अलग है। जादू तो नहीं शुरू कर दिया? हाँ, मुझे अब इतनी कहानियां सुन चुकी हूँ, बार दफा कोई चल रहा होता है प्ले तो मैं कहती हूँ अरे इसमें तो आगे योगा योगा योगा, आपको किस फिल्म में कहा, इसकी 13 एपिसोड्स तक मैंने पढ़ी थी फिर मैंने नहीं किया। अब तो ये भी हो रहा है, जिन्होंने नहीं स्क्रिप्ट पढ़ा वो ही बताया था, क्योंकि उन्होंने पिछला ड्रामा देखा है, दोबारा दोबारा भी देख रहे हैं। एक स्क्रिप्ट कई दफा भी बिक चुका है। हाँ, एक ही है या इस तरह के और भी बहुत सारे? नहीं, एक ही स्क्रिप्ट, सेम टू सेम। लेकिन इस मार्केट तक आपका एक्सेस कैसे है, कहाँ बिकर खरीदो? हाँ, नहीं, इट वाज ऑल आउट इन द ओपन फॉर एवरीवन, तो मेरा सिर्फ नहीं, सभी का एक्सेस था। आपका सबसे पैसा भी होता है क्या? टीवी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रामा हमसफर आपने डायरेक्ट किया, उसमें एक गाना था जो बांग्लादेश जब अलग हुआ तो उस पे लिखा गया था, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की जुदाई पे था, उसको आपने माहिरा और फवाद की जुदाई पे डाल दिया, तो ये आपने जो काम किया, अब जो हमारी जनरेशन है नहीं, उनको तो नहीं ये बात समझ आएगी कभी, उन्हें तो यही लगेगा कि ये बंटवारा छोटा है, इनकी मोहब्बत बड़ी है, क्या क्या क्यों किया आपने? जब वो पोइट्री निकाली गई तो वो मैंने और मोमिना ने सजेस्ट किया कि आपदा जी ने गाया, जब उसको सुना तो खुदा जानता है मुझे तो नहीं पता था कि ये बांग्लादेश के बारे में है, तब मुझे ये लगा, बट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर,
कि वही बात वो वतन के लिए भी हो सकती है, वो खुदा के लिए भी हो सकती है, वो एक इंसान के लिए भी हो सकती है। तो उसकी यूनिवर्सैलिटी थी, बट तब मेरी टोटल नालायकी थी, मुझे नहीं पता था। मैं कहता इश्क मोहब्बत का खूबसूरत गाना है, जो बिछड़ते वक्त उन आंखों में थी हमारी गजल। वेरी गुड, व्हाट एल्स कुड इट बी। आपने एडमिट किया, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप लोग जो घर में बैठे तालियां बजाएं, अब जब तक तालियां नहीं बजेंगी तो आगे नहीं। सानिया जी, मोहब्बत बड़ी जरूरी है प्यार, और प्यार से लोग नाम भी रख लेते हैं, एक निकनेम जिसे कहते हैं, जैसे आपके हस्बैंड शाहिद से शद्दी। तो आपका भी कभी किसी ने सानिया से सन्नी या कुछ सईद से सद्दी कुछ किया हो कभी? कोशिश की? नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब मुझे डायरेक्ट आपा कहा लोगों ने। नहीं, वो मुझे सानिया कहता है। है तो आपा भी छोटा वैसे। लेकिन पता नहीं कौन लोग हैं जो आपा कह लेते हैं ऐसे बड़े दिल से। शद्दी भी देख रहे हैं, शो शद्दी भी देख रहे हम आके चलते। अच्छा सरोज जी, आपके फादर इरफान खुसर इतने मशहूर अदाकार, तो कितना प्रेशर रहा आपके ऊपर कि यार कि इतने बड़े नाम के पीछे आप हैं, या फिर आप खुद लोगों को प्रेशर देते थे कि जानते हो मेरा बाप कौन है? ऐसा भी था शुरू में मैंने मुंह की खा ली थी बहुत, शुरू में बहुत लोगों ने मुंह पे बैठ के कहा अरे इरफान खुसर और उनका बेटा, मतलब यार नहीं करना चाहिए था घर में बाप। हाँ बाकायदा। तो तब मेरा ख्याल है उसी में कहीं अनकॉन्शियसली मैं जरा दाएं बाएं होके डायरेक्शन की तरफ ज्यादा निकल गया। सो एक्टिंग अगर मैंने उतनी की होती क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी तो फिर कंपैरिजन बनता, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक एक नेचुरल बात है कि घर में दो लोग हैं तो, लेकिन नहीं आई डोंट थिंक कोई कंपैरिजन बनता है। नॉट योर क्वालिटी की तो मैं गारंटी लेता हूँ, क्वांटिटी है कि कम। सानिया जी, मैंने सुना है कि जो प्ले शद्दी डायरेक्ट करते हैं तो वो आप स्क्रिप्ट पहले तो डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर वो स्क्रिप्ट आप किचन में भी डिस्कस करते हैं, ड्राइंग रूम में भी डिस्कस करते हैं, वॉक में भी डिस्कस करते हैं, गाड़ी में भी डिस्कस करते हैं, अक्सर फोन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा होता है, कौन उड़ा रहा है, कौन उड़ाता है ये बातें? गलत उड़ रही है शदीद। क्या आपको इतना कैसे पता है उनके बारे में? दरमियान की बात है, बहुत पक्की दोस्ती है सालों सालों से, और मुझे कुछ पता ही नहीं होता है कि शद्दी क्या कर रहा है। नहीं, उन सालों को तो मैं ठीक करूंगा जिनसे दोस्ती है। ये कौन उड़ा रहा है इस तरह की बातें, मैं जानना चाहती हूँ। ये कोई नैरेटिव उड़ा उड़ा कोई नहीं, लेकिन आप बस कहें कि भाई ऐसा नहीं है। नहीं, अच्छा सानिया जी, सितारा और मेहरुन से का एक वक्त था, एक वक्त संगमरमर का था, दोनों सुपरहिट ड्रामा, फर्क क्या लगता है आपको? कुछ भी, उसमें भी मेहनत करनी पड़ी, उसमें भी मेहनत। अच्छा, मुझे फर्क ये लगता है सितारा और मैंने 8 बजे आता था, ये 8:05 पे आता था हम टीवी में। और चैनल भी फर्क थे। ये होता है जब एक्टर्स मेहनत छोड़ देते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि हो क्या रहा है, क्या फर्क पड़ा, क्या हुआ क्या। 5 मिनट लेट क्योंकि कमर्शियल का दौर है, तो हम भी जाएंगे कमर्शियल ब्रेक पे, तो देखते रहिएगा द आफ्टरनून शो सीजन 2। Hi everybody, this is Kubra Khan. As you know, the Parvaz-e Junoon is releasing this Eid al-Adha. Go grab your tickets right now before it's too late, because you're going to really miss that if you don't watch the movie, and you don't want to do that. Hello and welcome back to the Afternoon Show Season 2. कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये हमारा चाय या ठंडा सेगमेंट है, इसमें हम आपसे पूछेंगे कुछ मजे मजे की रिडल्स, ठीक है? आप इनके लिए कार्ड निकालेंगी और आप इनके लिए कार्ड निकालेंगे, और जो गलत जवाब देगा उसे पीना पड़ेगा एक ब्रेन बूस्टर, जो उसके ब्रेन को बूस्ट करेगा ताकि वो आगे जिंदगी में कभी गलत जवाब ना दे सके। अच्छा, आप बताइए, आप निकालिए सानिया जी के लिए। मुझे खुद पकड़ना है, नहीं मुझे दे दे, पढ़ना वरना नहीं, आपसे उसमें जवाब भी लिखा हुआ ये वाला। हाँ ठीक है, ये सानिया जी के लिए, और आप बताइए ये वाला। हाँ। ये हो गया। एक छत पे लगे पंखे को आप बगैर जख्मी हुए हाथों से कैसे रोक सकते हैं? आप नहीं बता सकते, आपका तो मुकाबला है उनके साथ। अरे कोई मुकाबला नहीं, मुकाबला है भाई, मेरा कोई मुकाबला नहीं। अरे एक मिनट, अरे भाई इसका बटन बंद कर दें जो पीछे लगा है। देयर यू गो, वेरी गुड। वैसे मैंने वो हाथ से भी एक आध दफा कोशिश की, वो जिसका पैंदा सा हो। अच्छा, होता कुछ भी नहीं है वैसे, अगर हाथ भी डाल देना। नहीं, हेलो, हाँ मतलब पर टेढ़े हो जाते हैं, लेकिन कटता वटता नहीं है, इंसान टेढ़ा नहीं होता। हाँ नहीं, इंसान थोड़ा मजबूत हो। Seriously, you can't. मतलब हाँ, लेकिन भी डिपेंड करता है कि लेकिन अगर पंखा, ये आपने घर में बिल्कुल ट्राई नहीं करना, किसी दोस्त के घर कर लो, अपने घर में। अच्छा सानिया जी, आप बताएंगी
हाँ जी, परिंदे सर्दियों में जनूबी जानिब क्यों उड़कर जाते हैं? जुनूब की तरफ? टेक्निकली तो सही, सही जवाब वुड बी के वहाँ गर्मी होती है और वहाँ बर्फ होती है, बट आई डोंट थिंक कि ये पूछ रहा है, क्योंकि वो चल के जाएंगे तो बड़ा लंबा होता है। देखा, मैंने कहा था ना कुछ थोड़ा फाती सवाल पूछ रहा होगा। जी, कौन सा रंग पसंद करेंगे आप इनमें से? व्हाइट, द व्हाइट, एंड देन ग्रीन पेट में झंडा बन जाएगा। इसको जरा सा इधर उधर करूंगी तो बहुत गड़बड़ होगी, भाई बहुत पॉलिटिकल चल रहा है दिमाग। मैं तो कहता हूँ इसको फोकस करें, समझे इस बात को, ये इतना ही काफी है। सानिया जी, अब आप निकालेंगी सहमत के लिए, ये वाला सवाल आप निकालेंगे सानिया जी के लिए। जी ये वाला पहले सानिया से पूछेंगे, वो कौन सा परिंदा है जिसका नाम फ्रूट का नाम भी है? वो कौन सा परिंदा है जिसका नाम फ्रूट का नाम का भी है? प्यारे बच्चों मैंने प्यारे बच्चों का इसलिए तो मैं आपको कह रहा था, आप मतलब होनहार एक नौजवान, ये सब मिले हुए आपस में बिक गई। वो क्या है जिसको हर शख्स तोड़ने के बाद खुशियां मनाता है? तोड़ने के बाद खुशियां मनाता है? नहीं, गुस्सा मनाता हूँ, खुशियां तो नहीं मनाते। तोड़ने के बाद नहीं आएगा आपको, मुझे पता है आपके चेहरे पे नजर आ रहा, नहीं आएगा आपको। हाँ समझ, एक हो जाए जवाब पहले बताएंगे या बाद में बताएंगे? बाद में। रिकॉर्ड रिकॉर्ड तोड़ने के बाद खुशी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। सोच रहे कि कुछ रिकॉर्ड तोड़ने के बाद खुशियां मनाते हैं सब। कुछ बीच में से माकूल सवाल है और कुछ यही तो बात है। मैं भी तो थोड़ा नामाकूल हूँ और कुछ माकूल भी हूँ, यही गेम है। सानिया जी आप बताइए सहमत के लिए, ये वाला और सहमत आप ये वाला, ठीक हो गया। पहले सानिया जी से पूछते हैं, वो कौन सा जानवर है जिसके दांत हैं और वो अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है और उड़ता भी? ये सारे जानवरों के सवाल ये आपको नेशनल ज्योग्राफी इनको लग रही है, ये निकाल के दे रहे हैं मुझे तो। दांत भैया उड़ भी सकता है, दूध और उड़ भी सकता है। दैट्स वेरी वियर्ड। एक जानवर जिसके दांत हैं, उड़ता भी है, हाँ। जहाज में बैठा हुआ इंसान, हाँ। ये जवाब बिल्कुल सही। 5, 4, 3 जहाज में बैठा हुआ इंसान या जहाज में बैठी हुई बिल्ली, कोई भी चीज या जहाज में बैठा कोई भी चीज जहाज में बैठ सके। चमगादड़, चमगादड़ सही सवाल था ना, ये तो माकूल सवाल था। पिए आई डिड नो चमगादड़ इज अ मैमल। सानिया जी के पीने पे तालियां। वो क्या है जो कदम कदम पे ठोकर खाती है लेकिन फिर भी उसके पीछे लोग भागते हैं? फलसफा है इसमें? मोहब्बत, बहुत फलसफा। मोहब्बत, मोहब्बत इतना फलसफा नहीं है। किस्मत, जिंदगी नहीं, किस्मत बिल्कुल भी नहीं। तो कदम कदम पे ठोकर खाती है लेकिन फिर भी लोग उसके पीछे भागते हैं। पीछे भागते हैं यार, सवाल देख तो बेटे समझ आ रहा है, पुट्ठा वाला है, सीधा वाला है? हाँ, ये भी समझ रहा है, सीधा वाला है, सीधा वाला है, सीधा वाला, सीधा वाला सवाल। जूती, कोशिश करो, जूती जूती ना टुडे मार के पीछे दौड़ता जाए, पिट्ठू गर्म में होता भी है वैसे ये, फिर भी लोग उसके पीछे। तो बॉल, फुटबॉल, यस, यो मैन, गुड, शाबाश। ये ब्रेन बूस्टर का असर और कुछ भी नहीं है। हम अपने अपने ढूंढ लें, चलिए यूं कर लेते हैं। ये सानिया जी का आ गया, ये मेरा, ठीक है। पर सानिया जी का था। एक शख्स है जो कराची में रहता है, उसको लाहौर में क्यों नहीं दफनाया जा सकता? शख्स है जो कराची में रहता है, उसका डोम साइल कराची का, जॉब नहीं दिलानी उसको। एक शख्स जो कराची में रहता है, उसे क्योंकि वो जिंदा है, उसे क्यों दफनाया जाएगा? Yeah! Yes, 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 yes!
वो कौन सी डिश है जो हम खुद बनाते हैं लेकिन खाते कभी नहीं? शिश, शिश। उसका ताल्लुक? निंजा कार्ड मारूंगा मैं। ट्रिमिंग हो जाएगी आपकी, मैं बता नहीं ट्रिमिंग होगी। उसका ताल्लुक? नहीं यार, क्या यार, नहीं यार बता दिया। देखिए अभी भी नहीं समझ रहा है, अभी भी नहीं समझ रहा है। समझ आ यार, ये तो आपने बता दिया यार। जो पकता एक्चुअली नहीं है मगर हम पका रहे होते हैं। ख्याली पुलाव। अच्छा एक और काट कर लेते, एक और काट कर लेते। ये अनफेयर था, मैंने चीटिंग की है। ये एक चीटिंग हो गई, आप दोबारा पूछ रहे हो। ठीक है ठीक है, आपके साथ मुझे वो करना चाहिए था जो तारीख अजीज जोड़ों के साथ नहीं करता था, कि इन्हें जरा चौक में ले जाओ, इधर से मैं सवाल जवाब करूं। पीछे बैठ के क्यों नहीं बता? आपने देखा कभी तारीख अजीज जो गए हैं? नहीं, हम बचपन से तारीख अजीज शो देखते। अरे मेरे दोस्त के साथ वहां बड़ी एक ट्रेजेडी हो गई ना, वो गया पहली दफा और उसने बड़ा वो खुश था, तो उसने वीडियो कैमरा निकाला और अभी जब दोबारा उन्होंने शूट किया, उसने वीडियो बनाई शुरू कर दी। तारिक साहब की कोई नजर है इस उम्र में भी? उन्होंने कहा ये जो लड़का सामने बैठ के वीडियो बना रहा है इसको तो बाहर निकालिए। इसको बाहर निकाल दिया शो के शुरू में बेचारे को, तो उनकी नजर वजर बड़ी तेज है। पेनल्टी पड़ी है मुझे कोई? हाँ ना, पेनल्टी पड़ रही है ना। वो कौन सा खेल है जिसमें जीतने वाले पीछे जाते हैं हारने वाले आगे जाते हैं? वो जो होता है रस्से वाला, रस्सा कशी। चलिए जी आखिरी है, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर ये आखिरी है जी, आप दोनों को मैं ही दे देता हूँ। बस ठीक है, हो गया जी। साने जी, व्हाट डू यू सिट ऑन, स्लीप ऑन एंड ब्रश योर टीथ विद? सिट ऑन, स्लीप ऑन, बिल्कुल बत्ती ऑफ हो गई। आप उन्हें, आपका तो सवाल ही नहीं, आपकी बत्तियां क्यों जल रही हैं? हम खां शादी हो रही है यहाँ पे, इतनी बत्तियां जलाई हुई हैं, बिजली है नहीं मुल्क में, ये हाल है देखिए हमारे सीनियर एक्टर्स का। पांच चार तीन दो। ओके, सिट सिट ऑन अ कुशन, स्लीप ऑन अ पिलो एंड ब्रश माय टीथ विद अ ब्रश। वेरी गुड, अगर दो आदमी 100 रुपए में गंजे होते हैं तो 10 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? 100 में ही होंगे। गंजे क्यों गंजे होंगे भला? अरे क्या बराबर चले हैं दोनों। अच्छा, ये बाबा दोस्ती हो तो ऐसी हो गई। बहुत आला। वैसे तो हमारे यहाँ हारने वाले को इनाम दिया जाता है, क्योंकि इनाम में हम देते हैं इसी मशरूब की बड़ी बोतल, क्योंकि ये ब्रेन बूस्टर है और इनके लिए बहुत जरूरी होता है हारने वालों के लिए, ताकि वो आगे जिंदगी में कभी ना हारें। लेकिन अब आप लोगों का ये है कि आप इसे आधी आधी कर लीजिएगा, लेकिन खुदा के वास्ते तलवार से ना आधी आधी कर लीजिएगा, सब सीख जाएगा। लेकिन आपको पता है कि हमको इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ी? और एक मिनट का आपके पास टाइम है, आप एक स्पीच भी दे सकते हैं छोटी सी, एक्सेप्टेंस स्पीच। हमने ये बहुत हम हम्बली इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को इसकी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज एज यू सॉ we have each other. Oh ho! Oh ho! जब ये इतना हंस खेल रहे हैं तो हम, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आइए प्लीज तशरीफ लाइए और हम सोफा पर बैठ के अपना बाकी शो चलाएंगे। चाय ले जा सकते? बिल्कुल ला सकते हैं, चाय बिल्कुल ला सकते हैं। हाँ, आप यहाँ पे जो है ना अपने बिल्लियाँ भी ला सकते हैं। हाँ, मुझे परिंदे खिलौने सब ला सकते हैं। हाँ, वैसे ला सकते हैं, गलती हो गई, गलती। वाह वाह वाह, जय और वीरू, क्या अच्छा खेले आप दोनों दोस्त। हेलो, व्हाट्स अप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सानिया जी के लिए एक शेर सुनाना चाहूंगा। एक ही सानिया तो है और वो भी आज तक मुझे कभी दिखी नहीं, मुझसे कभी मिली नहीं। क्या बकवास कर रहे हो, क्या मतलब है शेर का? असल में मैं इम्प्रेस करना चाह रहा था, वो हो नहीं पाया। आई एम सॉरी। अच्छा नहीं, सॉरी, हम समझे, आगे भी शेर है तो। हाँ? नहीं नहीं, अभी एक नया शेर बनाया है सरमत के लिए, कहें तो सुना देता हूँ। बुरे शेर तो आपके पास बहुत है, सुनाते नहीं। जिंदगी के मैदान में आगे बढ़ डर मत, सरमत 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 सरमत। ये मैंने मतलब क्या कर क्यों रहे हो ये सब कुछ तुम? ये मैं चाह रहा हूँ कि मतलब थोड़ा सा आदमी आ जाता है, इन हो जाता है, इस वजह से कुछ अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। हाथ तो मैं देख ही लेता हूँ, मैंने कहा ये टैलेंट भी दिखाऊं। अच्छा, किसी बड़े आदमी का नाम बताओ तुम। देखो, अदनान खान, अदनान खान आया था कल, सबसे बड़ा आदमी। ये कौन है बड़ा आदमी, क्या किया इसने अदनान खान ने? He is the biggest man, करा वरा कुछ नहीं है, लेकिन हाइट इसकी सबसे ज्यादा। आया यार, ऊंचा होने से कोई बड़ा नहीं होता, काम बड़े होने चाहिए, जैसे सानिया जी और सरमत कुसट के हैं। ओहो, इन लोगों ने बड़े डैम बना दिए, ड्रामे ही बनाए भाई। क्या काम बने, ड्रामे बनाना आसान है क्या?
भाई जिस तरह के ड्रामे चल रहे हैं उन्हें देख के तो लग रहा है बहुत आसान है। एक हीरो लो, एक हीरोइन लो, हीरोइन रोती रहेगी, हीरो मनाता रहेगा, ड्रामा चलता रहेगा। आपसे बहस करना बिल्कुल फजूल है। आप फ्यूचर बताते हैं तो सानिया सईद का फ्यूचर बताएं। सानिया जी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन इसके लिए इन्हें एंटार्क्टिका शिफ्ट होना पड़ेगा। क्यों? असल में वहाँ पे 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात, तो 6 महीने तक तो ब्राइट ही ब्राइट है। भाई बहुत बहुत बुरा। आप अपना फ्यूचर देख के बताएं, आप फौत कब होंगे? हाँ, नहीं नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मैं तो कपड़े का बनाऊ, ये जो चला रहा है ना ये मर जाएगा। आप में शर्म नाम की कोई चीज है? सच पूछो तो कई दिन हो गए चीज नहीं खाया। चीज का जिक्र करा तुमने, मैं पनीर की बात नहीं कर रहा। मुझे बताओ कि सरमत खुसर का क्या फ्यूचर है? सरमत के लिए थोड़ा हार्ड टाइम आने वाला है, इन्हें बहुत एहतियात करनी पड़ेगी इस साल। किस तरह का हार्ड टाइम? देखिए, हो सकता है कि चलती गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए, बैठे बिठाए NIC एक्सपायर हो जाए, कार की फिटनेस ना हुई तो सार्डिन चालान भी कर सकता है, पासपोर्ट खो सकता है, एनीथिंग कुड बी हैपन। ये तो सारी चीजें इंसान को वैसे ही मेंटेन रखनी होती है, इसमें हार्ड टाइम क्या है? अच्छा, अभी जाकर सिग्नल पे खड़े हो जाओ, 100 आदमियों में से 50 के पास भी लाइसेंस हुआ ना तो मैं ये किस्मत का हाल बताना छोड़ूंगा। अच्छा, आपके पास खुद अपना लाइसेंस है? नहीं, मेरे पास तो नहीं। शर्म आनी चाहिए, आपके पास लाइसेंस है नहीं, आप लोगों को कह रहे हैं। बेटा जज्बाती मत बनो, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, लाइसेंस का क्या करूंगा? इससे पहले कि मैं आपको घसीट के बाहर निकालूं, आप यहां से चले जाएं खुद से। कहां जा सकता हूं, पासपोर्ट भी नहीं है मेरे पास तो। अरे यार, सिक्योरिटी को बुलाएं यार, इसको बाहर भेजें। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मैं जा रहा हूं, बस एक सानिया जी के साथ एक सेल्फी करवा दूं। माय फादर विल बी टू हैप्पी, प्लीज फॉर गॉड से माय चिल्ड्रन विल गिव यू प्रेयर्स। यार आप, मैं आपकी कराता हूं सेल्फी, आप एक सानिया जी सेल्फी ले लेंगी तो चला जाएगा। मुझे पता है आप सेल्फी नहीं लेती, लेकिन ये तो मानेगा। बहुत सारी तालियां सानिया जी के लिए। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। इसी सेल्फी के साथ हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आप देखते रहिएगा द आफ्टरनून शो सीजन 2। हेलो एंड वेलकम बैक टू द आफ्टरनून शो सीजन 2। जज साहब, आप समझ गए होंगे कि अब हम कहां जाने वाले हैं। हम आने वाले हैं इस मजेदार से कटहरे की तरफ जिसमें दो मजेदार से लोग खड़े। तैयार हैं आप लोग? अच्छा, मुझमें ना नहीं भी हो तो क्या कर लेंगे। एडवोकेट बशीर मरहूम की रूह आ जाती है जब मैं ये सेगमेंट करने लगता हूँ। तो आप लोगों ने मेरी टोन को माइंड नहीं करना और बस ये जो इल्जाम है उनको आपने बस अच्छे से बर्दाश्त करना है, डिफेंड भी कर सकते हैं, इनकार भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई नहीं, ये झूठ है, झूठ है जैसा। अब हम चलते हैं, सबसे पहला इल्जाम है सानिया जी के ऊपर। सानिया जी, आप पर इल्जाम है कि आप अपने डायरेक्टर हस्बैंड के साथ मिलकर स्क्रिप्ट फिक्सिंग करती हैं। यानी कि जितने अच्छे डायलॉग और सिचुएशन होती है वो आप खुद रख लेती हैं और बाकी बकिया कास्ट में तकसीम कर देती तकसीम कर देती काश के मेरे पास इतना पावर होता तो ये इल्जाम गलत है, झूठ है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ, कभी नहीं हुआ, सवाल ही पता नहीं होता, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। आपके या शद्दी के? दोनों के उसूलों के खिलाफ। अच्छा, दोनों के उसूल एक और गवाह मेरे पास मौजूद है, आप पूछ सकते हैं कि मैं सेट पे बात भी नहीं करती अपने डायरेक्टर से। एक तो गवाह आप जो अपने साथ लाई ना, या न्यूट्रल किसी इंसान को लेकर। मैं सेट पे बात करती हूं डायरेक्टर से गैर जरूरी तौर पे स्क्रिप्ट के बारे में कभी, डायरेक्टर को मैं अपना गवाह साथ लाई हूं। भाई साहब कच्चा काम, इतना ट्रेंड इंसान मैंने नहीं देखा, कच्चा काम नहीं करती भाई साहब, अदालत में पूरे सबूत और गवाहों के साथ आए। सरमत जी, आप पर इल्जाम है कि जब तक आप सिर्फ एक एक्टर थे आप में बहुत एटीट्यूड था, लेकिन जैसे ही आप एक डायरेक्टर बने आप बहुत हम्बल हो गए। कहा जाता है कि एज ए डायरेक्टर आपको जब नखरे उठाने पड़े एक्टर्स के तो आपको समझ आई कि एटीट्यूड कितनी बुरी चीज। इतनी तो मैंने एक्टिंग नहीं की जितना नखरों का मेरे से करो। और मैं तो एक्टरों के नखरे बहुत खुशी खुशी उठाता हूँ। और इसकी गवाह मैं हूँ। मैं सबसे पहला एक जो बुनियादी गलती है कि मैंने दोनों का इकट्ठे शुरू किया। नहीं, पहले डायरेक्शन, मतलब जो प्ले आप डायरेक्ट करते हो उसमें एक्टिंग भी कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, चांस ही नहीं देता। सानिया जी, आप पर इल्जाम है कि आप कोल्ड ड्रिंक, सोप और शैम्पू के एड में काम करने वाले एक्टर्स को एक्टर्स ही नहीं मानती। आप कहते हैं तो सेल्समैन और सेल्स गर्ल है, इनका एक्टिंग से क्या ताल्लुक? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल।
सही कह रही है वैसे, मतलब किसी के मुंह में घुस के कुछ बेचना हाँ। और 30 सेकंड में वो सारा कुछ करना इज डिफिकल्ट। शर्मद आप पर इल्जाम है कि जब बचपन में आपको स्कूल नहीं जाना होता था तो आप बीमारी की एक्टिंग करते थे और छुट्टी के लिए जिद करते थे, जिस पर आपके वालिद बहुत नाराज होते थे, लेकिन छुट्टी की वजह से नहीं, आपकी खराब एक्टिंग की वजह से। मैं इतना स्कूल जाने का शौक बहुत था, अच्छा मैं तो घर से निकलना चाहता था, बोर होता था मैं घर में। हाँ, I think school, I like going to school. He was also a very studious child. सानिया जी आप पर इल्जाम है कि आप सेल्फी इसलिए नहीं खिंचवाती क्योंकि आपका कहना है कि ये भी एक काम है और उसके पैसे मिलने चाहिए। मैं सेल्फी इसलिए नहीं खिंचवाती क्योंकि मेरी तस्वीर बहुत बुरी आती है, जो कि फैक्ट है। मेरा तो ये वाला हाथ लंबा हो गया सेल्फी के। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे अब सेल्फी स्टिक की भी जरूरत नहीं है। शर्मद जी आप पर इल्जाम है और आखिरी इल्जाम है, हाँ जी, आप इतने इमोशनल इंसान हैं कि डायरेक्शन के वक्त जब भी सीन समझाते हैं तो खुद ही रोने लग जाते हैं, चाहे सीन कॉमेडी क्यों ना, तो आप ऐसी कास्ट लेते क्यों है जिनकी कॉमेडी में आपको रोना आ जाता है? इसका जवाब एक तो वैसे एक बात पूरी गलत नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैं आमतौर पर मेरी छेड़ है कि जब मैं मॉनिटर पे एक्टर्स को देख रहा होता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि कोई मुझे देख रहा हो, क्योंकि मैं खाली जितने एक्टर एक्सप्रेशन दे रहा होता है उससे कहीं दो गुना मुंह मैं बना रहा होता हूँ। मैंने कई दफा मेरे दोस्तों ने मुझे एक तस्वीरें खींच की कि ये तुम्हारा ही मुंह है जो नजर आ रहा है। उसके बाद मैंने कपड़ा डालना शुरू कर दिया मॉनिटर पे कि मैं अंदर वो मुंह बना लूं जो एक्टर बना रहा है या नहीं बना रहा। वैसे वो अच्छा है कपड़े वाला, उसके अंदर आप खाना भी खा लें, कपड़े भी बदल लें, किसी को पता नहीं चलता बाहर क्या हो रहा है। कई दफा इनमें से कपड़ा हटाया तो पता लगा ये सो रहे थे अंदर। लेकिन बहुत अच्छा आप लोगों ने डिपेंड किया, आई होप आप लोगों को यहाँ आके मजा आया। ये वाहिद के ठहरे जिसमें आके लोगों को मजा आता है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज आइए, तशरीफ रखिए ताकि हम शो को आगे चलाएं। सानिया जी एंड सरवर, ये हमारा सेगमेंट है और इसका नाम है फ्लाइंग एरो, और ये है वो फ्लाइंग एरो। क्या करें? इसको हाथ में पकड़ के रखेंगे। अच्छा सानिया जी, आपसे मैं शुरू करता हूँ कि आप फिल्म इसलिए नहीं करती क्योंकि आप डांस नहीं करना चाहती, आप ओवर एक्टिंग नहीं करती, आपके भाई मना करते नहीं मैं हाँ डांस नहीं करना आता मुझे, डांस नहीं करना। हाँ, लेकिन फिल्म में और चीजें भी होती हैं, डांस के अलावा भी चीजें होती हैं। हाँ, लेकिन और ये भी गलत है कि मैं फिल्म नहीं करना चाहती, अगर कहानी अच्छी लगेगी और कैरेक्टर अच्छा लगेगा तो मैं कर लूंगी। कर लेंगी भाई, कर लेंगी। मीडियम से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, कहानी से दिलचस्पी है। सही। अच्छा, इनमें से कौन सी अफवाह आपके बारे में उड़ाई जाए तो लोग सच मान लेंगे? सानिया सईद और अयूब खोसो बहन भाई है, सानिया मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़ी है, सानिया अब सिंगिंग भी करेंगे। सानिया और अयूब खोसो बहन भाई हैं क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि हम बहन भाई हैं। अच्छा वाकई? हाँ। अच्छा, सानिया सईद और मायूं सईद का भी होता होगा आपको? बहुत लोग पूछते हैं आपके भाई हैं तो अम्मी तो मेरी कह देती हैं हाँ, खुद भी कहते हैं अम्मी से कहो कहे हाँ। अच्छा, मेरे साथ ये होता है सोनिया हुसैन और यासर हुसैन का। हाँ बिल्कुल होता होगा, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा। ये कितनी अजीब सी बात है कि लोग समझते सरनेम सेम है तो बहन भाई होंगे। हाँ, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी बहन भाई, बहन भाई होंगे। लेकिन वो वाकई है। अच्छा, नहीं मजाक करो। अच्छा। नहीं है सानिया जी। अच्छा, आपकी जिंदगी पर अगर किताब लिखी जाए तो उसका टाइटल क्या होगा? फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा, देखने में डॉली चलने में गोली, हम चले दुश्मन जले, देखने में डॉली चलने में गोली। रियली? अच्छा टाइटल। अपना 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 ओपिनियन है, बट आई थिंक फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। ओह भाई, सुन नहीं रहे आप बात? नहीं मैं सुन ली। अच्छा सुन ली। अच्छा सानिया जी, अगर किसी की बैक फाइटिंग कर रही हो आप और वो अचानक से आ जाए तो आपको ज्यादा सूटेबल क्या चीज लगती है कि सही वक्त पे आया, अभी तुम्हें ही याद कर रही थी, या आप कहती हैं अगर तुम अचानक आ गई बहुत खुशी हुई, या फिर आप कहती हैं कि अच्छा क्या तुम आ गए, नहीं तो मैं आने वाली थी। नहीं, मेरी तो सिटी गुम हो जाती है। ऐसे जाती मैं तो। ये अच्छा जवाब है तीनों से। अगर आप कोई प्ले प्रोड्यूस करें तो उसका नाम क्या होगा? बड़बड़ाहट, अर्कुन निसा, मेरी बुढ़िया। अर्कुन निसा, अर्कुन निसा। अच्छा नाम है। अच्छा नाम है ना। वेरी गुड सानिया जी, बहुत अच्छा आपने खेला। अब ये तीर आप उनके सीने में उतार दीजिए। इनमें से किस खान को आप अपने बचपन से एक्टिंग करते हुए देख रहे हैं? एहसन खान, फिल्म स्टार अरबाज खान, अफजल खान, जॉन रैम्बो। मतलब बचपन की मुख्तलिफ दर्जात थी, वैसे तो मैं तीनों को देख रहा लेकिन तब एसन भी बच्चे थे और मैं भी बच्चा था। सर मुझे बताइए कि एज अ डायरेक्टर इनमें से किस एक्टर को आप बहुत मजबूरी में कास्ट करेंगे? फहद मुस्तफा, हमजा अली अब्बासी, हुमायूं सईद। हमजा हमजा
तू गया तू गया। सानिया सईद जी को जब आप डायरेक्ट करते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? सुनती आपकी है, करती अपनी है, उल्टा आपको समझा देती हैं, या कहती है भाई मुझे मत बताओ मुझे सब आता है? ना चाहते हुए उल्टा आपको समझा देती हैं, लेकिन वो बगैर कहे कि मैं समझा रही हूँ तो वो मैं खैर आप खुद समझ जाते हैं कि बेशक मैं भी सीख लूं कुछ तो अब बखुशी सीख लेते। अच्छा, हमसफर हिट होने की क्या वजह थी? उसका स्क्रिप्ट, उसके एक्टर्स या आपकी डायरेक्शन? इसका एक डिप्लोमेटिक जवाब नहीं है ये, लेकिन बाकी इन सब के अलावा में उसकी प्रोडक्शन भी, उसका ओएसटी भी, आई फील हमसफर किसी एक एलिमेंट की वजह से हिट नहीं हुआ। लोगों को एक्टरों से ज्यादा मोहब्बत भी हुई थी और एक्टर्स के बलबूते पे ही वो चला। बट द क्रेडिट गोज टू एवरीवन। अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर इनमें से कोई टाइटल चूज करना पड़े तो कौन सा करेंगे? चोर महल, तंग नजर, चिंटू मिंटू मैं हूं मंटू? I think चोर महल would be the और उसमें चोर का सिर्फ इस सूरत में करूंगा कि जब उस पे टाइटल साथ लिखा हो इन एंड एज। अगर आप एक्टर डायरेक्टर ना होते तो इनमें से क्या हो? फॉर्मूला वन रेसर, क्रिकेट के एम्पायर या आर्म रेस्लर? उसमें तो आंखें खुल गई थी आपकी, तो हंसते में बंद हो जाती है, हंसी ना आती मोस्ट ऑफ द टाइम, बिल्कुल हंसी ना आती उस प्रेशर से। हां वैसे सही बात है। अगर आपके बेडरूम की तलाशी ली जाए तो उसमें से क्या चीज लाजमी निकलेगी? मायरा खान का पोस्टर, फवाद खान का पोस्टर या मंटो के अफसाने? पोस्टर वाला जमाना तो खैर अब गुजर चुका है, तो लोग फोन पे पूरी दुनिया लेके बेडरूम में बैठे हैं। बट आई थिंक इन ऑल प्रोबेबिलिटी किताब मिल सकती है, और उसमें एन मुमकिन है कि मंटो की किताब भी हो सकती है। वाह वाह वाह, बहुत जबरदस्त सानिया जी, बहुत जबरदस्त सरमत जी। और अब वक्त आ गया है आप लोगों से मग साइन करवाने का, और मजे की बात है कि ये मग हमारी वॉल पे नहीं रखे जाएंगे, ये उनके घर पहुंचेंगे जो आप दोनों के फैन हैं। तो कोशिश कीजिएगा एक मग पे दोनों दोनों साइन कर दें। और इसके बाद हम गाना सुनेंगे अपने 2 मिनट्स ऑफ फेम जो हमारा सेगमेंट है। सैफ क्या सुना रहे हैं हमें आज? हम सफर सरमत जी को हम सफर था, और प्लीज आप लोग मेरे साथ यहाँ आ जाए जेबरा के ऊपर खड़े सुनेंगे। सफर था मगर उससे हम नवाई न थी, वो हम सफर था, वो हम सफर था।